हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज दोस्तों मैं आपके सामने कटवर का डिज़ाइन लेके आई हूँ पैंट प्लाजो का। बहुत ही आसानी से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप इसको आसानी से कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कटवर बनाना सिखाऊंगी कि आप कटवर, वैसे तो दोस्तों मार्केट में कटवर वाली टैटून भी आ गई है, लेकिन अगर आपको कटवर वाली टैटून नहीं मिलती है तो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि कैसे बनाना है। हमें दोस्तों ये 1.5 इंच का रखना है, यानी कि हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा का निशान लगाया है और एक मैंने 1 इंच का लगाया है, ऊंचाई मैंने 1 इंच रखी है इसकी। और मैंने ये एक गोलाई का, एक ये हाफ गोलाई होती है, हाफ चंद्र मैंने इसका ये मैंने कट कर लिया है। अब हम इससे कटवर बनाएंगे दोस्तों। इसकी पूरी की लंबाई 1.5 इंच है और ऊंचाई इसकी 1 इंच है। अब मैं इसके ऊपर टैटू के ऊपर इसको रख दूँगी और ऐसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे निशान लगाती चली जाऊँगी और हम टैटून के ऊपर पूरी पे कटवर बना लेंगे। और मैं आपको पूरे कटवर बना के दिखाती हूँ दोस्तों। आजकल मार्केट में कटवर वाली टैटून भी मिल रही है, और आपको टैटून अगर इसमें बनानी है तो आपको चिपकने वाली लगानी है, क्योंकि चिपकने वाली से ज़्यादा सफाई में बनता है ये डिज़ाइन। ये मेरी चिपकने वाली है। अब मैंने ये जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, अब मैं पूरे के पूरे इस पर मैंने कट कर लिया है। ये देखिए निशान बनाकर मैंने इसे कट कर लिया है। अब मैं इसे एक कपड़े के पीस पर मैं इसे चिपका दूंगी प्रेस के साथ ऐसे, जैसे मैं दिखा रही हूँ। अब मैंने इसको कटवर के डिज़ाइन को प्रेस की सतह से चिपका दूंगी दोस्तों। ये मेरा इस पर चिपका दिया है मैंने। और इसके बाद दोस्तों नीचे से जहाँ से ये बिल्कुल प्लेन है, सीधी लाइन है, वहाँ से मैं इसको कपड़े को फोल्ड कर दूंगी। कपड़े को फोल्ड कर दूंगी यहाँ से। कपड़े को फोल्ड करने के बाद में अब हम अपने पैंट प्लाजो को लेंगे और पैंट प्लाजो के ऊपर इस डिज़ाइन को रखेंगे। ऐसे रखेंगे दोस्तों हम, ये मेरा पैंट प्लाजो है। जितना आपको पैंट प्लाजो की नीचे रखना है, नीचे से जितना आपको खुला रखना है उस हिसाब से आपको बना लेना है ये। और फिर आपको बिल्कुल टैटून के साथ साथ कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। और मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों इसमें कट लगाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो फिनिशिंग के साथ ये कटवर नहीं निकलेंगे बाहर। तो आपको इसका जो बीच में ये बीच में कट ज़रूर लगाना है दोस्तों। हम एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे इसमें से, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, जिससे कि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सामने आएगा निकल के। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा मैं इसमें से कट कर रही हूँ। और जैसे मैं आपको ये बीच में कट लगा के दिखा रही हूँ ऐसे, ये कट लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये कट नहीं लगेगा तो बीच में प्लेट्स डल जाएंगे। और ये मैंने सारे अपने इस पर ऐसे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है और ऐसे ही कट लगा दिए हैं। और इसके बाद मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ कि मेरा डिज़ाइन कैसा बना है। और आपको उंगली की सहायता से इसको ऐसे सीधा करते जाना है, और सीधा करने के बाद इसको प्रेस से अच्छी तरह से बिठा लेना है। और मैं आपको प्रेस से बिठा के दिखाती हूँ कि मेरा ये डिज़ाइन कैसा बनकर सामने आया है। अब मैं इसके ऊपर प्रेस से मैं इसको बिठा दूँगी दोस्तों। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बन के आया है, और ऊपर से भी फिनिशिंग है और नीचे से भी फिनिशिंग है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।